फुड़कत मिलेगी बेटे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो एक नया दिन शुरुआत हो चुकी है, सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और ये देखो अभी तक नींदों में है, इनकी नींदें नहीं पूरी हो रही, पूरी रात से कम 10 बार सो चुके हैं। कुछ खाते हैं फिर नैप लेते हैं, खाते हैं नैप लेते हैं। और ये देखो मैडम ये कहेंगी मैं काम नहीं कर रही, मैं काम कर रही, ये देखो मैं काम नहीं कर रही। तो गाइस एक फंक्शन की भी थकान उतरी नहीं है और दूसरा फंक्शन हमारे बिल्कुल सामने है, मतलब सामने नहीं है, हम सर पे ही है। और आज का भी डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग और इन्जॉयबल होने वाला है, क्योंकि आज है रिसेप्शन। तो आज तो डबल धूम धमाका होगा, क्योंकि अब जाके वहाँ पे सिर्फ इन्जॉय करना है, रस्में तो ज़्यादा रह नहीं गई। तो अभी फटाफट भाई रेडी कब होना है आप लोगों ने? नहारे अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे, अभी सोने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लें फिर सो जाते हैं। निकल रही है रेडी होने के लिए, सारी गर्ल्स पार्टी को लेके जा रही है और वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं ना। हाँ तो आप निकलो, मेरे को तो टाइम लगेगा यहाँ पे और मैं तो सीधा रेडी होके मिलूंगा वहाँ पे, ठीक है? और पूरी मस्ती करेंगे, उसको साथ लेके जाओ यार, वो यहाँ परेशान हो गई। ये देखो अभी भी, ये देखो यार, ये देखो, ये देखो। अच्छा क्या है, क्या है? आप भी रेडी होंगे? इसकी ड्रेस, इसकी सब ड्रेस लेके चलो, इसको भी रेडी कराना प्रॉपर यहाँ पे। हाँ तेरा अबे जाएगा यार, जाएगा मम्मी के साथ ही जाएगा देख। तो यार मैं तो निकल रही हूँ और पीछे ये लोग लेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यार ट्रेजेडी हुई है, सैंडल वगैरह कुछ नहीं मिल रही है, तो हम तो जा रहे हैं तैयार होने और ये जाएंगी सर्चिंग पे कि अगर इनको इनकी फुटवेयर मिलती है तो। मेरे साथ ही ऐसे होता है हमेशा, अभी सुबह तक दिख रही है, ये होता है शादी ब्याह में, ये होता है। तो गाइस अभी मैं जाऊंगी पहले मार्केट जो आसपास है वहाँ पे, देखती हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो, अदरवाइज फिर ऐसे ही रहेगा। प्यारी समझ गई। तो गाइस सब रेडी होने जा चुके हैं और जो गेस्ट थे उनका भी खाना हो चुका है, वो रेस्ट कर रहे हैं और अपने होटल जा चुके हैं। और अब मैं खाना खाता हूँ और खाना खा के फटाफट नहाने जाता हूँ और उसके बाद मैं रेडी होता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मेकअप स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा मैं आपको इनका ग्लिम्स दे देती हूँ लेकिन बाकी आप रेडी होने के बाद ही देखना। नहीं ये रहा, वाओ बहुत ही क्यूट है यार। तो आज जो है इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये अडोरा का मेकअप भी करेंगी और हेयर लुक भी करेंगी, सब बिल्कुल टचअप कर देंगी उसका अच्छे से। कर दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कर देंगे, हो जाएगा अडोरा तेरा, सब कुछ टेंशन ना ले। की ड्रेस आई, आई ड्रेस आपकी? नहीं ये गुस्सा है। और अडोरा आप भी गुस्सा हो, वो उसकी ड्रेस भी मेरे साथ खो गई है। तो भाई इन दोनों की ड्रेस नहीं आई है, कोई स्माफी भी आया अडोरा से मिलने, ये एक दूसरे को सूंघ रहे हैं। अडोरा मिलेगी स्माफी से? स्माफी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ बाबू स्माफी। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं आज के धमाल करने के लिए, क्योंकि आज रिसेप्शन फंक्शन है, आशी बाहर है, ऑलमोस्ट सारे गेस्ट पहुंच चुके हैं, ये पापा का गेटअप है, मतलब हम सारे फीके लग रहे हैं पापा के सामने, देखिए। गाइस अगर सूट मेरा ज़्यादा ग्लिटरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना यार, मैंने सिर्फ एक बार देखा फैब्रिक और मुझे पसंद आ गया, बट मुझे पता नहीं है कि लग कैसा रहा है, ज़्यादा ग्लिटरी तो नहीं लग रहा, ज़्यादा गौटी तो नहीं लग रहा, बाकी अब वहाँ जाके पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं यार, ऐसे ही बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस अपना बीस्ट रेडी हो चुका है और सीधा वेन्यू पे पहुँचते हैं यार हम। तो गाइज अभी आशीष और मीना मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, रेडी होने के बाद 5 से 10 मिनट में बाहर निकलेंगे, स्टेज पे जाएंगे, फिर फोटो क्लिक्स होगी और जो गिफ्ट एक्सचेंजिंग का सिलसिला होता है वो स्टार्ट होगा। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। तो गाइज मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कैसी लग रही है, ये देखो लग रही है ना क्यूट। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, देखूंगी कौन कौन गेस्ट आ गए, चले चलो चलो। गाइस मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, और अंदर है म्यूजिक और मैं बाहर ही कर रहा हूँ, मैं की लेने आया रूम की, तो फटाफट अंदर चलते हैं। कौन एंजॉय कर रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही है अडोरा। अडोरा कहाँ जा रही? मम्मी गई, मम्मी गई, मम्मी गई, मम्मी गई, मम्मी गई, आ जा आ जा आ जा आ जा, अरे आ जा, कोई नहीं आ जा आ जा यार, ये काफ़ी देर से ना गोद में थी, अब इसको फ्री टाइम मिला है, जब क्राउड गया है ना, आराम से आराम से, अब इसको टाइम मिला ना खेलने का। ना मेरा बाबा, बाबा परेशान हो गया ना, मेरा बच्चा परेशान हो गया ना, सबसे ज़्यादा परेशान हो गया यार, इसने बहुत सफ़र किया, मतलब लोगों से भी डर रही थी, शोर से भी, अरे मेरा बच्चा डर गया, कोई बात नहीं।
गाइस अब यहाँ फोटो शूट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कम से कम एक से डेढ़ घंटा मुझे लग रहा है यहीं पे लगने वाला है। अरे गाइस जाना भी है, घर भी जाना है, घर भी जाना है, तो ये हमें भगा देंगे। साढ़े बारह बज चुके हैं, जल्दी कर लो थोड़ा सा। जिवेक आ गया अब टाइम ये फोटो शूट का, थकने वाला तो काम ही नहीं है। फोटो शूट होता हुआ गाइस, अच्छा बोतल छोड़ दूं, ये ले यार। वेरी नाइस टाइमिंग। तो यहाँ डिनर स्टार्ट हो चुका है, शालू दिव्या सारा फैमिली डिनर, और मेरे आने से पहले स्टार्ट कर दिया आपने। बड़ी भूख लगी आपको, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मुझे कह रही है सब्सक्राइबर्स जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता दूँ गाइस, ये लाली है और ये शालू की कज़न सिस्टर है, आपने देखा होगा जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं कि ये कवर मत करना बिल्कुल इस व्लॉग में, ऐसी क्या बात हो रही है? हमारे कुछ कोई क्या राज है, क्या बात कह रहे हो, क्या बात है? ट्रेन की जो बर्थ होती है ना ट्रेन में, अच्छा हम एक ही सीट पे सोते हैं, हम बस ये याद है मेरी लास्ट ट्रिप की। नहीं तो क्यों इतनी कंजूसी क्यों दिखाई है? दो टिकट ले लेते तो बेस्ट फ्रेंड थे, तो एक ही बर्थ पे एक ही बेड पे, क्या बात है, इतना ज्यादा प्यार आ गए थे तुम एक ही बर्थ पे। अच्छा इतने छोटे कैसे पहुंच गए, इतने हाथ जो छोटे दिखाए हैं इतने भी कैसे पहुंच गए? तो यार हमने काफ़ी सारे फोटो शूट कर लिए और अब हम प्लान कर रहे हैं कि पार्टी करेंगे। ये सारे गैंग बोल रही है कि आज वो नाइट स्टे करेंगी सारी लड़कियां और पार्टी करेंगे। करोगे पार्टी या नहीं? कुछ तो कर लेंगे यार, कुछ कुछ इनकी पार्टी है, कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे यार, उससे काम चला लेंगे। गजब बेइज्जती है, इसने काफ़ी कुछ दिखाया ना, भूख दीजिए ना बेटा, मेरा बच्चा खा ले आ मेरा बाबा बाबा खा ले। तो गाइस पार्टी फंक्शन में डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सारे यहाँ पे हम डांस कर रहे हैं, बहुत ही मजा आया। और ये सारे यूनिक स्टाइल, और यहाँ देखो मुझे कंधे पे चढ़ा लिया यार। हाँ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि गाइस अब शोर शराबा कम हुआ है, पब्लिक कम हुई है, हम आराम से व्लॉगिंग कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। हाँ। तो कर क्यों नहीं रहे? कह रहे कि मैं यही करती हूँ दिन भर क्या किया आप? अरे कहना क्या चाहते हो? सिर्फ मेकअप के लिए आ गया, चार घंटे वेस्ट कर रहा है। दिव्या को लिया जाए ब्लॉग में, क्या कह रही है दिव्या? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप इधर आओ। क्या बात करना चाहती हूँ? क्या बात करना चाहती हूँ? आपने कॉम्प्लीमेंट तो दिया मुझे। नहीं कॉम्प्लीमेंट मैं क्या दूँ, मतलब वर्ड्स ही नहीं लग रहे मुझे तो। वर्ड्स ही नहीं लग रहे मेरे को सीरियसली। गाइस इतना फन मस्ती धमाल हो रहा है, मतलब लोग मिल रहे हैं और म्यूजिक इतना लाउड है तो मैं अंदर व्लॉग नहीं बना पा रहा, और इतनी एक्साइटमेंट है और टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा कुछ खाने का। मैंने सिर्फ अभी एक पानी का घूट पिया है, और यहाँ शालू तो इतना एंजॉय जबरदस्त करे। शालू सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स देख रहे हैं तेरे को भी, इनको डांस करने से फुर्सत नहीं मिल रही, ये नहीं कि पति के बारे में पूछ रहे, ये नहीं कि पति से भी पूछे कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। मैं तो सिर्फ गेस्ट को वेलकम कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि प्लीज हैव अ फूड, ठीक है? गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है एडोरा का, रील्स बनाई जा रही है और हमने इतना एंजॉय कर लिया गाइस, आपने देखा ही होगा, मतलब खाना पीनो धूम धड़ाका, कमाल का मज़ा आ गया फंक्शन में। और बस अब निकल रहे हैं, जैसे जैसे गाड़ी आ रही है रिश्तेदारों को लेके जा रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हो आप लोगों, क्या प्लान है गाइस? कह रहे हैं नाइट पार्टी करेंगे, मुझे ये बताओ जो अभी ढाई तीन घंटे चार घंटे की है वो क्या था? इससे बेटर पार्टी क्या होगी? खाना पीना सबके साथ, डांस कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, व्लॉग अलग से बन रहा है जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, और बाबू ने कितना एंजॉय किया देखो। अब ये फन है, हाँ इससे बना दो, इससे बना लो ना, ये 14 प्रो कब काम आएगा, बनाओ। तो गाइस फैमिली का फोटो शूट चल रहा है दवा के, और बैक टू बैक, और भैया अपना सारा एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं और हमारा मन ही नहीं भर रहा भैया। हम घर की तरफ निकल रहे हैं और बैक टू बैक हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, पहले इनको छोड़ते हैं और फिर पीछे भी गेस्ट हैं, तो फिर ऑल द वे घर जा रहे हैं। और आपकी पार्टी वार्टी कुछ नहीं होने वाली, ठीक है, घर जाके रेस्ट करो और सो। हाय हाय शालू, फुड़कत मिलेगी बेटे जा। हमारे फंक्शंस का लास्ट नाइट थी रिसेप्शन नाइट, जो कि हो चुकी है, सारे गेस्ट जा चुके हैं, हम भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। एंड आई होप आपने ये जितने भी व्लॉग्स आ रहे थे मार्केट से रिलेटेड या कोई भी फंक्शन हो रहा था आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया, आई बिलीव आप सबको मज़ा आया होगा। तो अभी ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब खैर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए,
और अच्छा ही करिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय।